रख महादेव पर विश्वास, जो तूने सोचा भी ना होगा वो होगा तेरे पास। समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि ये दोनों कब बदल जाएं ये तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही जानता है। महादेव जी कहते हैं कि कभी कभी मन को मना लेना ही ठीक होता है, क्योंकि अगर हम हमेशा अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो और तुम अपनी ही तरह सबको समझ लेते हो, यही कमी है तुम में। मेरे बच्चे, इस संसार में महंगे वस्त्र धारण कर कुछ लोग अपने शरीर को तो ढक सकते हैं, लेकिन उन लोगों की सस्ती सोच फिर भी उजागर हो जाती है। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बात करने के तरीके से झलकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि तुम मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो जाओ। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता, बल्कि सम्मान करना होता है। एक समझदार इंसान से की हुई कुछ पल की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि तुम उसका मोह करोगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे बच्चे, इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। यदि आपको मेरी इस बात पर भरोसा है तो सफल संख्या 888 टिप्पणी कर सफलता प्राप्त करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग उस वक्त आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर ही लोगों के साथ वक्त बिताया करें। आपको एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है कि क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। महादेव जी कहते हैं, जो लोग भी किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। इस संसार में जिंदा वही है जिसका प्रयास जिंदा है, लड़ता वही है जिसमें आग जिंदा है। मेरे बच्चे, जीतता भी वही है जिसके ख्वाब जिंदा है। कमज़ोर तब रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए विजय संख्या 1111 टिप्पणी कर आगे बढ़ें। आपका पिता महादेव जी सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कभी भी ना सोचें, सदैव उनके समाधान पर ध्यान दें। आज के इस समय में भावनाओं में बहकर किसी को भी अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, लेकिन जब भी किसी का दोगला चेहरा आपके सामने आता है तो उस पर नहीं, स्वयं पर गुस्सा आता है। एक बात का ध्यान रखना, कोई नशा हो
या गलत इंसान हो। अगर इसकी आदत लग जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, आप कैसे हो ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब पानी गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं हैं, उसे ऐसे ही बिना हिलाए छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी की गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह से जब भी आपके जीवन में परेशानी आए तो आपको शांत मन से विचार करना चाहिए। समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपके पिता महादेव आपके साथ हैं। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर विश्वास कर किसी दूसरे को गलत समझने की गलती मत करना। एक समझदार इंसान वह होता है जो कही गई बातों की सच्चाई का पता लगाता है। मेरे बच्चे, यदि आपके जीवन में सही अवसर मिलने पर भी आप लाभ नहीं उठाते हैं तो आपकी योग्यता को कोई मोल नहीं है। इस संसार में जब किसी पर विश्वास जुड़ता है तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। किसी का भी विश्वास तोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, याद रखना रास्ता हमेशा पैरों से होकर ही जाता है। जब आप पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस संसार में जो दूसरों को इज्जत देता है, असल जीवन में वह स्वयं इज्जतदार होता है, क्योंकि हर इंसान दूसरों को वही देता है जो कि उसके पास है। इसलिए मेरे बच्चे, याद रखो, अगर आपकी आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो दूर तक जाएगी। जो भी इंसान सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। अगर कभी आपको अकेलापन महसूस हो तो ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, ये समय इतना बलवान है, वह अकेला है, वह कहता है मैं किसी का नहीं, जो भी मुझे अहमियत देता है मैं उसका जीवन संवार देता हूँ। इसलिए कभी भी अपने को कमज़ोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको महादेव जी का साथ चाहिए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महादेव जी के संदेश आपको लगातार मिलते रहें। महादेव जी कहते हैं कि यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना अवश्य सच हो सकता है। तुम इस बात पर विश्वास करो। आज के कलयुग में भले ही झूठे व्यक्ति की आवाज़ एक सच्चे व्यक्ति को चुप करवा सकती है, लेकिन याद रखें, सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला कर रख देता है, क्योंकि सच्चे व्यक्ति के मन में मैं वास करता हूँ। यदि आपके मन में महादेव जी वास करते हैं
तो हर हर महादेव लिखकर स्वीकृति दें। महादेव जी कहते हैं, बहुत सी कमियों के बावजूद भी अगर आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमी होने के कारण आप उनसे घृणा क्यों करते हैं। अच्छी संगति आपको ऊंचा उठा सकती है तो बुरी संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, ऐसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के अपना जीवन नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, यदि आप सदैव अच्छे कार्य करते हैं तो आप किसी के सम्मान के मोहताज नहीं हैं। आपका कार्य ही आपको सम्मान का पात्र बना देता है। आपके अपने वह नहीं जो आपके होने का शोर करें, अपने तो वे होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। यही आपके अपनों की पहचान है। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ में आती है जब वो हाथ से निकल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, अपनों के लिए आप सारी दुनिया से लड़ जाना, लेकिन कभी भी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। याद रखना, किसी के साथ भी अपनेपन का नाटक करना बहुत बड़ा धोखा होता है। आप जिसके लिए अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। जब भी कोई आपकी पीठ पीछे बात करता है तो समझ लें, उनकी आपके मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हम सफर ऐसा हो जो हालात बदलने वाला हो, ना कि हालात के साथ बदलने वाला। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मृत्यु नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, और आज मानव में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। क्योंकि जो बंधन में है वो जीव हैं, और जो बंधन मुक्त हैं वो ही भगवान शिव है। आपको अपनी जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि आप आसानी से मिली चीज़ों की कद्र नहीं करते। अपने कर्मों को ध्यान से करिए, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बददुआ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ये ईश्वर आपके कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मुख्य कारण कि आप असत्य बोलते हैं। यदि आप स्वयं सही हैं तो कुछ लोग आपसे अंदर तक नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सत्य का सामना नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी कामयाबी को दिमाग में नहीं चढ़ाना चाहिए और नाकामयाबी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड लाती है और नाकामयाबी दिल में मायूसी लाती है। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में आपसे जलने वाले अनगिनत हैं, लेकिन आप सदैव निडर रहो और आगे बढ़ो। आपका पिता कालों के काल महाकाल आपके साथ हैं। यदि महाकाल आपके साथ हैं तो हाँ,
हैं लिखकर स्वीकृति दें। दिल का अच्छा होने से पहले यह कि आप पहले अपनी जुबान से अच्छे हो जाओ, क्योंकि सभी का वास्ता पहले जुबान से होता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिंदगी एक धुआं है, ना जाने कहां थम जाएगा। कर ले महादेव की भक्ति, जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप सफलता के द्वार पर हैं तो 1515 टिप्पणी करें। महादेव जी कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मानो जब आपकी वजह से कोई खुश होता है, तो समझो आपने मुझे खुश कर दिया। आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया है। इसका सीधा अर्थ है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बहुत अच्छी बात कि किसी पर ज़्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। आज की इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप सदैव अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अहमियत देना जिनके दिल उनके चेहरे से ज़्यादा सुंदर हों। मेरे बच्चे, तुम खुद को तराशो, एक दिन ये दुनिया तुम्हें तलाशेगी। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। इसलिए बाबा आपको ये कह रहे हैं कि जिंदगी की कठिनाइयों से मत भागना, क्योंकि सफलता की पोशाक कभी बनी बनाई नहीं मिलती। इसके लिए स्वयं मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, इसलिए वक्त की कदर करो। मेरे बच्चे, अगर आप वक्त की कदर करते हैं तो समझो आपने अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय करें। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो ये दुनिया आपको बहुत सस्ता बना देगी। जीवन की यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत है। कुछ समय महादेव को देने से आपका अपना समय सुधर जाता है। आपको हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वो गलतियां कर कर के सीखे। जब भी कोई आपको अनदेखा करे तो शांत होकर उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ आ जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे परेशानी उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। याद रखना, सुबह का सूरज शाम होते ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुसीबत में कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। मेरे बच्चे, सब्र करो, जो भी आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपको मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता, क्योंकि हर नई शुरुआत
इंसान को थोड़ा डराती है, पर सफलता तो मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। क्योंकि महादेव को खोजा नहीं जाता, महादेव में खोया जाता है। अपनी सारी चिंताएं उस परमात्मा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। अगर आपको लगता है महादेव जी को आपकी पूरी खबर है, तो हर हर महादेव लिख वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।